Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Good morning dear student. Welcome back to our channel. Today I will teach you the new chapter Swami Vivekanand ka Patra. Swami Vivekanand ka Patra. Achho, पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता वर्तमान में हुआ. इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था. प्रारंभ से ही इनका ध्यान अध्यात्म की ओर था. ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य व प्रतिभावान शिष्य थे. ये वेदांत के विश्व विख्यात ज्ञाता थे. 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ले लिया. उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. अपने गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया. बाद में विश्व धर्म संसद 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत ने भारतीय प्रतिनिधि बन गए. अपने गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों का दौरा किया. बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के प्रतिनिधित्व किया और हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया. 4 जुलाई 1902 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया. इन्हें देशभक्त के रूप में जाना जाता है और इनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. स्वामी विवेकानंद का पत्र ये एक शिकागो स्पीच है. उन्होंने शिकागो में अमेरिका के शहर शिकागो में जो स्पीच दी थी युवाओं को का आह्वान किया था. किस लिए? धर्म अपने देश को राष्ट्रता के लिए और धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए युवाओं का आह्वान किया था. Good morning dear student. Welcome back to Hindi class. Today I am here with a new video. We will start a new chapter, that is Swami Vivekanand ka Patra. Chapter number 7, Swami Vivekanand ka Patra. Aaj bachcho hum ek naya chapter start karenge, Swami Vivekanand ka Patra. तो इसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का छोटा सा परिचय पढ़ेंगे. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ. इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. प्रारंभ से ही इनका ध्यान अध्यात्म की ओर था, यानी कि ये जो थे सन्यासी थे और इनको धर्म की तरफ ध्यान था. ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य व प्रतिभावान शिष्य थे. गुरु का क्या नाम है बेटा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य और प्रतिभावान शिष्य थे. ये वेदांत के विश्वविख्यात ज्ञाता थे. 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया. उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अपने गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों का दौरा किया. बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया और हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया. 4 जुलाई 1902 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया. इन्हें देशभक्त संत के रूप में जाना जाता है और इनका जन्म राष्ट्र युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. किस रूप में बच्चों? राष्ट्र युवा दिवस.
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, जन्म मनाया जाता है ना, तो जन्मदिन के ही दिन पर उनके 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। समझ आया बच्चों? चलिए अब चैप्टर की तरफ आते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि हमारे मन में उभरती है जो न केवल ज्ञान के अथाह भंडार थे बल्कि एक महान देशभक्त भी थे। ये जीवन भर भारत माता के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन का, कब हुआ था बच्चों ये, 11 सितंबर 1893, और कौन सी जगह, अमेरिका के शिकागो नगर में, शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ज्ञान पताका फहराई। उन्होंने वेदों की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या की और धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। बच्चों आपको पता है स्वामी विवेकानंद कौन है? स्वामी विवेकानंद एक सोशल रिफॉर्मर या समाज सेवक, देशभक्त और एक मॉन्क है। मॉन्क यानी के सन्यासी, जो भारत हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं और हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए और हिंदू धर्म की जो उक्तियां हैं, जो उपदेश हैं, वो लोगों तक पहुंचाए और उस हिंदू धर्म को यानी कि उसका प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। स्वामी विवेकानंद ने इस पत्र में भारतीय संस्कृति और धर्म का जन जन में संचार करने के लिए युवाओं का आह्वान किया है। मतलब इसमें ये जो पत्र है, ये जो चैप्टर है, एक लेटर है जो किसके लिए है, आधुनिक युवाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए है कि वो लोग भारतीय संस्कृति को और हिंदू धर्म को उनका प्रचार करें। और आह्वान किया, उन्होंने निमंत्रण दिया है, बुलावा दिया है ताकि ये युवा सारे खड़े हों और खड़े होकर इसमें धर्म के लिए और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए काम करें। उन्होंने भारत की को एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में परिकल्पना की थी। मतलब उन्होंने एक कल्पना की थी, उन्होंने देखा था कि काश के हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष हो, प्रगतिशील हो। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर स्टेट, जिसमें सारे धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जाए। ये पत्र 19 नवंबर 1894 ईस्वी को उन्होंने न्यूयॉर्क से अपने साथियों को लिखा था। ये पत्र उनकी मान्यताओं, भावनाओं और जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। यानी उसमें जो जो उनके मन में भाव थे, जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे और जो उनके एक दर्शन था मन में, जीवन दर्शन था, यानी कि जो वो देश का एक रूप जो देखते थे वो इस पत्र से देखते थे और देखना चाहते थे, वो इस पत्र से साबित होता है, इस पत्र से पता चलता है। न्यूयॉर्क में 19 नवंबर 1894 है वीर हृदय युवक को, यानी ये एक संबोधन के रूप में। ये बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के उन्नति करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। हमें और किसी बात की नहीं बल्कि आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इसमें क्या है, प्रेम से, यानी कि सबका सहयोग हो, प्रेम हो, कपट ना रखा जाए और धैर्य बहुत ज़रूरी है। पैशन हर इंसान में होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा वर्क जो होता है वो इजी हो जाता है। प्रेम ही जीवन है और यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है, तथा स्वार्थ परता ही मृत्यु है। यानी क्या है, इंसान में अगर स्वार्थ आ गया, अपना लालच आ गया, तो क्या हो गया, वहाँ पे उसकी भावनाओं की और उसकी मृत्यु हो जाती है। इलोक और परलोक में यही बात सत्य है, यानी कि
ये बात अगर आप लोग मान लें, यानी कि ये जो इसमें है ये एक भाषण के तौर पे एक पत्र है, उसमें भाषण दे रहे हैं कि आप लोग को ये मान लेना चाहिए कि स्वार्थ जो है इंसान को मार देता है, यानी उसकी आत्मा को मार देता है। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।